Good morning, children. How are you? Fine. Good, children. Children, today we are going to do the chapter 20, The Honest Girl. Chapter 20, The Honest Girl. Honest ka matlab kya hota hai, children? What do you mean by the word honest? Honest means sincere, truthful, जो सच बोलता है, जो सच्चाई बोलता है. जैसे हम हिंदी में बोले तो honest girl means एक ईमानदार लड़की, एक ईमानदार लड़की. तो honest means ईमानदार, ईमानदार in हिंदी. And if we talk in English, honest means truthful, सच बोलना. Sincere, we should be sincere towards our work. Yes, now you are all studying. Yes, so you should be very sincere towards your studies. क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ने आ रहे हो ना बेटा, स्कूल भी, घर में भी आप पढ़ रहे हो. तो you should be sincere towards your studies. And you should be truthful, honest. कभी भी झूठ नहीं बोलना. आप झूठ बोलते हो, बोलते हो झूठ? आप झूठ बोलते हो? झूठ मत बोलो, बोलते हो ना. But you should be truthful, honest and sincere. Okay, children. So today in the story, we are going to see that once upon a time, there was famine. Famine means जब वो ये होता है famine, जब हमारा कोई क्रॉप फेल हो जाता है. किसान जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, तो जब उनका क्रॉप फेल हो जाता है और जब कोई युद्ध होता है, वॉर होता है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, किसी को पता है? शॉर्टेज ऑफ फूड. ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप, ड्यू टू वॉर, व्हाट हैपेंस? देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड. यस, तो एक शहर था, उस शहर में ऐसे ही फूड का शॉर्टेज हो गया. उस टाइम क्या हुआ, जो वो लोग थे वहां के, वहां से वो चले गए. थोड़े लोग रह गए थे उस शहर में, तो वो गरीब थे. दे वर वेरी पुअर. द पीपल हु वर लेफ्ट, दे वर वेरी पुअर. And there were also rich people there. And the rich people, they decided to help the poor people. अच्छी बात है ना? Yes or no? So the rich people tried to help the poor people by giving them food. क्या हुआ? एक rich person था, उसने क्या किया? रोज लोगों को वो खाना देता था. एंड चिल्ड्रन ऑफ देयर हाउसेस यूज टू कम एंड गेट द फूड फ्रॉम द रिच मैन. द रिच मैन यूज टू गिव लोफ्स ऑफ ब्रेड. तो आपको पता ही है, ब्रेड्स तो आप खाते हो, जिसमें मम्मा आपके यमी यमी सैंडविच बनाते हैं. बनाते हैं सैंडविच. और क्या बनाते हैं ब्रेड से? क्या बनाते हैं? बेसन वाला ब्रेड. ओके, वेरी गुड. बेसन वाला ब्रेड. बॉम्बे टोस्ट, वेरी गुड. सैंडविच, यम्मी यम्मी सैंडविच तो है ही है भाई. और क्या बनते हैं ब्रेड से? रोल्स, ब्रेड रोल्स, वेरी गुड. तो यू नो व्हाट इज ब्रेड. तो दिस रिच मैन यूज टू गिव लोफ्स ऑफ ब्रेड. लोफ मीन्स पूरा पैकेट, पूरा जो लोफ होता है, वो लोफ वो सारे बच्चों को रोज देता था. एवरी डे द चिल्ड्रन यूज टू कम एंड दे यूज टू गेट द लोव्स ऑफ ब्रेड. वन डे व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, इन द क्राउड देयर वाज अ गर्ल. शी वाज वेरी सिंपल, शी वाज वेरी ट्रूथफुल एंड सिंसियर, ऑनेस्ट गर्ल यू कैन से. Yes, as the chapter goes, the honest girl, this girl, she did not push
push or pull. If somebody gives you some food or something, what do you do? Like poor people, I'm talking about poor people, they grab for the food. Yes, they say mujhe de do, karte hai na? Kyunki wo bhookhe hain, unko khana chahiye. But this girl, patiently, wo aaram se apne turn ke liye wait karti thi ki sab bache le jaye aur end mein main apna loaf le lungi. सारे बच्चे लेने लगे और लास्ट में लोफ, छोटा सा लोफ था. क्या था? छोटा सा लोफ था. तो इस लड़की को रोज छोटा लोफ मिलता था, पर ये लड़की खुशी खुशी से ये लोफ घर लेकर चली जाती थी. यू नो व्हाट हैपेंड? वन डे दिस गर्ल शी वेंट होम. व्हेन शी वेंट होम शी ओपन द लोफ टू ईट bread, to eat bread. When she opened the loaf, children, you know what did she find? Any guesses? Any idea? Chalo socho. Any idea? You know what she got from the loaf? The girl, she got a gold coin. Can you see this coin? सोने का सिक्का. क्या है ये? सोने का सिक्का. सोने का सिक्का. She got a gold coin in between the loaf of the bread. उसने जब सोने का कॉइन देखा तो कहती, हो ये तो सोने का कॉइन है, ये तो मेरा नहीं है. Why did she say like this, children? Why did she say ki it is not mine? Kyun? Because she was very sincere and truthful. Wo kehti hai ye bread mera hai, par ye jo sone ka sikka hai ye mera nahi hai. You know what happened? Next day, agle din, ye ladki दोबारा गई और उसने क्या किया? इस सोने के सिक्के को वापस कर दिया. यू नो व्हाट हैपेंड? द मैन ही बिकेम वेरी हैप्पी सीइंग दैट द गर्ल वॉज रियली ऑनेस्ट, शी वॉज ट्रूथफुल. लड़की बहुत ईमानदार थी कि उसने वो सोने का सिक्का अपने पास नहीं रखा. उसने क्या किया? उस सिक्के को दोबारा आकर वापस कर दिया. क्या आप सिंसियर हो? आप सिंसियर? यस, यू ऑल आर सिंसियर. यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन. यू आर ऑल सिंसियर. Same way, this girl was very sincere. She came and returned the gold coin to the man. She said, "Uncle, uncle, yesterday I got a loaf of bread, but when I opened the loaf of bread, I found a gold coin. So this is not mine. Please take it." The man felt very happy, children. उसने क्या किया? उस गर्ल को अप्रिशिएट किया और उसने ब्लेस किया. ही ब्लेस द गर्ल सेइंग दैट गॉड ब्लेस चाइल्ड, यू आर वेरी सिंसियर, तुम बहुत ईमानदार हो. और पता है क्या हुआ चिल्ड्रन? उसने क्या किया? उस मैन ने उसको वो सोने का सिक्का भी दे दिया उसको, और उसके साथ दो और रिवार्ड्स दे दिए. ही गेव हर द गोल्ड कॉइन एंड ही गेव हर टू मोर रिवार्ड्स. सो यू शुड बी सिंसियर, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल. हमें ईमानदार होना चाहिए. लाइक द प्रोवर्ब गोज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. Honesty is the best policy. Did you like the story? Yes, very good, children. Okay, children. Bye-bye.